जय जिनेंद्र, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हैप्पी छठ पूजा। आज छठ पूजा का लास्ट डे है और अभी 4:30 बज रहा है। तो चलिए हम लोग रेडी होते हैं घाट पर जाने के लिए। मैं रेडी हो गई हूँ, बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने दूध ले लिया है कलश में और अब हम लोग निकलते हैं घाट की ओर। और यहाँ पे बज गए हैं पूरे 5 और वंश सोया हुआ है तो उसे मैं छोड़ कर जा रही हूँ। जब तक वो उठेगा तब तक मैं आ जाऊँगी। तो गाइस, हम लोग मंदिर के लिए जा रहे हैं और ये हमारे कॉलोनी की भाभी है तो हम दोनों साथ में जा रहे हैं। तो चलिए, देखिए भाभी भी आप लोग को सबको हाई कर रही है। और चलिए मैं मंदिर जाकर आप लोग को दिखाती हूँ कि किस तरीके से छठ पूजा होती है। तो गाइस, जिन्होंने छठ किया उनके घर हम लोग पहुंच गए, उनके घर से हम लोग होकर निकलेंगे। यहाँ पे इनका टप्पी। तो गाइस, जिनके घर पे मैं आई हूँ, ये दीदी ने छठ पूजा किया है और यहाँ पे सिंदूर का रस्म चल रहा है। हम लोग रेडी हो गए घाट पे जाने के लिए। इस तरीके से डाल घर से निकला जाता है। तो इस तरीके से घाट पर जाया जाता है और हम लोग का घाट बहुत घर से नज़दीक था। एक्चुअली मंदिर में ही हम लोग के स्विमिंग पूल है, उसी में होता है हर साल। उस स्विमिंग पूल को यूज़ नहीं किया जाता है, वो सिर्फ छठ पर्व में ही स्विमिंग पूल यूज़ होता है। तो चलिए पहले हम लोग मंदिर में पूजा कर लें। ये मंदिर के अंदर ही है स्विमिंग पूल, फिर वहाँ पर हम लोग चलेंगे। तो गाइस, आप लोग भी मेरे माध्यम से मंदिर का दर्शन कर लीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये रहे नंदी महाराज। तो चलिए मैं भी पूजा करके आप लोग से मिलती हूँ फटाफट। तो गाइस, इस तरीके से यहाँ पे सूप सब सब रखा गया है और रेडी हो गया छठ पूजा के लिए। और हमने दिया जलाकर यहाँ पे दिया से डेकोरेशन कर दिया है। और ये हमारे कॉलोनी का प्रांगण है, यही स्विमिंग पूल पे हर साल छठ पूजा सेलिब्रेट होता है। तो कैसे सब सब सज गया, ब्यूटीफुल। तो गाइस, ये मेरे कॉलोनी की आंटियां लोग हैं, आप लोग भी देख लीजिए, सभी आंटी को ब्यूटीफुल लग रही है। और यहाँ पे सूरज भगवान का वेट हो रहा है और पूरी छठ की तैयारी हो गई है। और आज लास्ट डे है छठ पूजा का। ये अब पानी में जा रही है, टाइम हो चुका है, इन्होंने ही छठ किया है। हमारी कॉलोनी में बहुत जर्नी किया है, सब अपने अपने घरों में करने लग गए हैं कोविड के बाद से। और दीदी ये जो यहाँ पे करती है तो शुरू से हम लोग मंदिर में ही आकर अर्घ देते हैं, तो कहीं किसी के घर जाने का मन नहीं करता है, इसलिए हम लोग मंदिर में ही आ गए। तो यहाँ पे दीदी पूजा कर रही है। तो गाइज, यहाँ पे एक रिचुअल होता है अर्घ देने से पहले। ऐसे आंटी लोग सभी सुहागन यहाँ पे सिंदूर लगाकर ये रिचुअल को कंप्लीट करती है। तो इस तरीके से ये रिचुअल होता है। सबसे पहले पान का पत्ता खोइचा में रखाता है। इस तरीके से ये रिचुअल हो रहा है। यहाँ पे दीदी को सिंदूर लग रहा है। इस रिचुअल को ध्यान से देख रही हूँ, इसी के लिए कुछ बोल नहीं पा रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसको आप 2 बार 5 बार 3 बार भी कर सकते हैं।
तो गाइस पहला अरग मेरा, बोलो छठी मैया की जय। छठ पूजा का पहला अर्घ दे दिया है हमने। अब लास्ट अर्घ कांदी को दिया जाएगा। सारा अर्घ हो चुका है, तो जो भी इस ब्लॉग को देख रहे हैं आप लोग भी मेरे माध्यम से लास्ट अर्घ दे दीजिए और हम भी आप लोग के सभी की तरफ से ये अर्घ दे रही हूँ। इस तरीके से ये छठ पूजा यहाँ पे समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट ईयर का हम लोग वेट करेंगे। अब गाइज यहाँ पे घाट का पूजा हो रहा है जला। इस तरीके से देवी पूजा कर रही है। यहाँ पे दिया जल रहा है, दिया को जलाया जा रहा है। इस तरीके से दिया लगा कर सूरज भगवान को, इस तरीके से घाट से दीदी निकल गई है। अब यहाँ पे कपड़े चेंज करेंगी। तो गाइस मैं भी सूरज भगवान को जल दे देती हूँ। लालिमा आ गया है, मैं अपने घर से आप लोग को सूरज भगवान का दर्शन कराऊंगी। तो चलिए मैं जल दे के आप लोग से मिलती हूँ। तो चलिए गाइस, घाट पे निकलने के बाद हवन होता है तो हम लोग भी हवन कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे हवन हो चुका है। मेरा आप लोग भी दर्शन कर लीजिए और आप गाइस आप एक चीज बताना, कोई भी फंक्शन बिना फोटो सेशन के अधूरा है ना, तो आप लोग मानते हो ना। और हम लोग सुबह इतने रेडी होकर फोटो खिंचाने के लिए इधर आ गए हैं। तो चलिए हम लोग फोटो सेशन स्टार्ट करते हैं। और मेरे कैमरा मैन आए हुए हैं, तो मैं आप लोग को कैमरा मैन से रूबरू कराती हूँ। घर में ले जाते, तो मिलिए आप लोग मेरे कैमरा मैन से। ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे कैमरा मैन है। तो कैमरा मैन आर यू रेडी, तो क्लिक माय पिक्चर। तो गाइस यहाँ पे सिंदूर लगाने का रिचुअल चल रहा है और सभी लेडीज यहाँ पे, सभी कोई जो छठ करती है, छठ का व्रत करती है, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, उनसे सिंदूर टीका लगवाते हैं और प्रसाद लेते हैं। और ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है छठ पूजा का। और यहाँ पे सभी को बत्ती, प्रसाद, टिक्का सभी कुछ मिलता है, टिक्का भी लगता है। हमारे नंबर का कतार खाली होने का। अच्छा, ये तो नाइंसाफी है, सबको नाक पे से नहीं, यहाँ नाक पे से क्यों हो रहा है? हम तो लगवाते क्योंकि हम लोग में धन्यवाद। तो देखिए गाइस मुझे भी सिंदूर लग गया है और ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा लग गया। तो गाइस यहाँ पे छठ पूजा समाप्त हुआ। तो आप लोग बताइएगा मेरा ब्लॉग कैसा लगा आज का। और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट शेयर जरूर करिएगा और हैप्पी छठ पूजा। और नेक्स्ट ईयर की छठ पूजा का इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा।
बाय ऑल ऑफ यू, हैप्पी छठ पूजा। चलिए अब प्रसाद खाइए, मुझे भी प्रसाद मिल गया है, तो चलिए मैं घर चल रही हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।